हम हनुमान गढ़ी पे ही जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए ही। महाराज जी हमारे साथ हैं जिसकी वजह से हमने एक अच्छे से दर्शन कर दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही शायद माला हो गई है। माला कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पॉलिटिशियन लग रहा है, पॉलिटिशियन इस समय हम लग रहे हैं। सो यहाँ से आपको पूरी अयोध्या का व्यू मिल जाएगा, पूरी अयोध्या का। सो यहाँ पे मैंने अयोध्या का एक्सप्लोर अच्छे से किया है, हमें दो दो महाराज जी मिल गए हैं जिसकी वजह से इतना अच्छा दर्शन मिला है। और ये माला तो देख के आपको लग ही रहा होगा, सीन अच्छा ही है। ये रहा अयोध्या, पूरी अयोध्या यहाँ से दिखती है, पूरी अयोध्या आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, अभी हम हनुमान गढ़ी पे हैं और ये हमारे इधर ये हनुमान जी का मंदिर है, ये हमारे हनुमान गढ़ी के नाम से जो प्रसिद्ध है। और यहाँ से हम अभी प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कनक भवन और जो भी यहाँ पे फेमस जगह है महाराज जी में घुमाएंगे। तो महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना अच्छा दर्शन कराया, और हनुमान जी की जो चरणों में माला थी वो हमें पहनने का सौभाग्य मिला है। इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ आपको एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं अयोध्या को। और ये राम जन्मभूमि जाने का मार्ग इधर से है, ये देखिए राम जन्मभूमि मार्ग। भगवान श्री ऋषभ देव जी जो परमहंस की श्रेणी में आते हैं। दोपहर में 3 बजे जिम करते हुए काफी अच्छा फील हो रहा है। राजघाट होते हुए हम सभी लोग अब सरयू जी की माँ सरयू के पुलिन पर हम लोग आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में सरयू तट पर पहुंचने वाले हैं। और पूरा अयोध्या लगभग हम लोग घूम चुके हैं, पंचकोसी परिक्रमा करके हम सभी लोग पुनः अयोध्या की राम पैड़ी पर घूम चुके हैं। और ये देखिए राम पैड़ी, ये अयोध्या का नया घाट तट है जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। और ये राम पैड़ी पर अद्भुत आरती घाट, और ऐसे ही निरंतर दिव्य दीपोत्सव होता रहे। ये निर्मल बाबा अयोध्या के फेमस चाट निर्मल चाट भंडार। और ये देखिए अयोध्या की फेमस चाट निर्मल चाट भंडार पर हम लोग उपस्थित हैं। और ये हमारे निर्मल जी हैं जो इतनी दिव्य चाट बनाते हैं, देख लीजिए। बहुत पहले खाते थे हम लोग हॉस्टल में से। अच्छा बना बिल्कुल। हम नए घाट पर रुके हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा भूख लगी थी, थोड़ा नाश्ता करके लेते हैं। तब पे निर्मल चाट भंडार जो मैं हॉस्टल में था यहाँ पे आज के 10 साल पहले मैं खाया करता था। तो हमारे हम लोग खाते नहीं है भाई, आज एकादशी है यही पाएंगे, इसलिए जो है आज हम यहाँ पे खाएंगे और नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको आगे कांटे हुए दिखाते हैं जर्नी हम। सो अभी हम नए घाट का भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ घूमने के बाद फिर हम अभी जो 3 प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पे भी जाएंगे, उसके पहले अभी इधर ही घूम रहे हैं। हमारे महाराज जी हमारी गाड़ी चला रहे हैं। इधर देखिए हनुमान जी की वानरी सेनाएं भी हैं,
और हम लोग बड़े पास से बना रहे हैं वीडियो, बहुत एकदम भाव से जा रहे हैं, आराम से चलते रहिए एकदम भाव सहित, सो ये कथा करें श्रवण पुटपान। बहुत सारे गए ये राम जन्मभूमि पे जाने का रास्ता है, तो अभी हम आ चुके हैं कनक भवन में महाराज आचार्य जी के साथ, और अब यहाँ क्या व्यू आपको दिखाते हैं, कनक भवन में क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करते हैं कनक भवन को। ये है कनक भवन, कुछ ऐसा व्यू। सो फाइनली मैं कनक भवन पे हैं, कनक भवन का यहाँ का कुछ ऐसा व्यू, ये कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है महाराज जी। जय श्री राम। सो ये कनक भवन के मंदिर का व्यू है, यहाँ पे आरती वगैरह होती है, काफी अच्छी लगती है, बट अभी वो टाइम निकल चुका है आरती का और हम लेट हैं, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लोर करके आपको दिखा रहे हैं कनक भवन कैसा है। यहाँ पे महाराज जी साधना करते हुए, यहाँ पर चरण पाद भगवान के, दंडवत महाराज जी। फाइनली सूरत टू अयोध्या की राइड कंप्लीट हो गई है और कनक भवन बिहारी, कनक बिहारी सरकार का दर्शन हो गया है, सरकार का दर्शन हो गया है और बड़ा ही अद्भुत छवि। तो महाराज जी कुछ बताएंगे कनक भवन के बारे में, कनक भवन आइए इधर बैठ के आराम से चर्चा करते हैं। तो महाराज जी के साथ इधर बैठ के थोड़ा सा कनक भवन के बारे में चर्चा करते हैं और क्या है कैसे है हमें ये बताएंगे। हमारे साथ आचार्य मुकेश त्रिपाठी जी हैं जो हमें कनक भवन के बारे में बताएंगे कि इसका मतलब क्या, इसकी हिस्ट्री क्या थी और ये क्यों फेमस है, और जो भी चीज़ें हैं वो हमें मुकेश शास्त्री जी बताएंगे। अब आप इनसे सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। और वर्तमान में हम सभी लोग कनक भवन में बैठे हुए हैं, इसी मंदिर के प्रांगण में हम सब बैठे हैं और बड़ा ही मनोहर वातावरण है। आप यहाँ पर देखे हैं तो बहुत लोग, लेकिन आवाज़ आपको बहुत कम सुनाई दे रही होगी। बड़ी ही शांति भाव से, शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। ये कनक भवन जिसका दर्शन अभी आप लोगों ने किया, ये जब माँ जानकी का विवाह हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आई, तो मुँह दिखाई में ये महल जो ये भवन है ये दिया गया, तो कनक भवन ये पूरा सोने का भवन था। वैसे अयोध्या तो त्रेता युग से है, लेकिन ये भवन निर्माण हुआ तो उस समय सोने का था। उसके बाद में कई बार इधर उधर होने पर और
ये तो अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ है, ये तो पहली वो वही चीज़ें नहीं है कि हाँ जो पहले की चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें हैं, अभी भी इसका जो गर्भगृह है वो स्वर्ण का है। अंदर की जब आप ध्यान से देखेंगे अंदर कनक भवन का, तो वो जो अंदर का गर्भगृह है पूरा सोने का है। तो ये कनक भवन का, कनक का अर्थ यह है सोना और भवन का अर्थ है घर, तो जो सोने का घर हो, सोने का भवन हो, वही कनक भवन है। तो ये कनक भवन माँ सीता को मुँह दिखाई में मिला था और यहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी माँ जानकी के संग रहते थे। और एक बार जब आप अयोध्या आए तो कनक भवन का दर्शन अवश्य करें। जैसे कि हम लोग अभी पूर्व में ही निवेदन कर रहे थे कि सरयू जी में स्नान करें, रामपैंडी का इतना सुंदर मनोहर दृश्य आप लोग दर्शन ही कर रहे हैं, उसी के क्रम में जब आप कनक भवन आएंगे तो यहाँ पर आपको भगवान का साक्षात दर्शन होगा। उसके बाद में यहीं से कुछ ही दूरी पर आप, वैसे भी वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से पैदल ही आप चले जाएंगे, राम जन्मभूमि का निर्माण चल रहा है और उसी के ठीक बगल हनुमान जी हैं जिसका भी आप लोगों ने दर्शन किया। तो जितने भी दर्शक हैं आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि जब भी आप अयोध्या आएँ तो कनक भवन का दर्शन करें और हनुमान जी का दर्शन करें, माँ सरयू में स्नान करें। यही मंगल कामना और सभी का मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ सभी को सादर जय सियाराम। तो हमें शास्त्री जी ने बताया कि क्या है यहाँ की प्राचीन बातें, और बेसिकली मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इनका इनसे बोला कि हाँ आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करिए क्या कैसे, और मिलते हैं अगली लोकेशन पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कौन से हम दर्शन करके कनक भवन से निकलते हैं, मतलब निकल ही रहे हैं, कुछ ऐसा व्यू एक बार जरूर आएंगे। और ये रहा राम मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर,